है भरी मुराद है, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे दे दो, जुमेरात की रात है, भरी मुराद है, अल्लाह तुम्हारे परेशानियों को दूर करे। अल्लाह के नाम पे दे दो ना बाबा। टमाटे खाओ। टमाटे खाओ बोल रहा है, वैसे भी बहुत दिन हो गया टमाटे नहीं खा के, जरा मिर्ची नमक लगा के खाएंगे। एक चार टमाटे और थोड़ा मिर्ची नमक मिला के दो। टमाटे खाओ टमाटे। ये बूढ़ा फिर टमाटे खाओ बोल रहा। अच्छा तो फिर दे दो ना टमाटे। टमाटे खाओ ना, टमाटे खाओ। तो फिर टमाटे दियो बोल रहा हूँ। क्या हुआ? टमाटे खाओ टमाटे खाओ, तो मैं बोला एक चार टमाटे दियो बोल के बोला। इनकी जबान में प्रॉब्लम है, टमाटे खाओ नहीं बोले, कमा के खाओ बोले। ऐसा तो फिर मैं गलत जगह पे आ गया। अल्लाह बॉस, लंच का टाइम हो रहा, बावर्ची से बिरयानी ला लूं? पैराडाइज से ला लेना। हाँ? अरे मियाँ, ये डेली होटलों का खा खा के बेसार की आगे रख, ये सब नको क्या बोलेंगे? घर से ला लूं? घर में कौन सा बैगन बना रहे बोलेंगे? घर में भी आजकल औरतें डिजिटल हो गए, राइस कुकर में खाना बना रही, साला ना बाहर से खरीद के लेके आ रही। कोई घर में गोश्त तले तो बोलो। नको रे भाई। अरे मियाँ लीडर, रात में 10 बजे आता हूँ, मीटिंग लगा ले। लीडर साहब काट के आता हूँ, देख। लीडर साहब खैरात दियो ना, अल्लाह के नाम पे हम लोग को भूख लग रही। सुबह हो गई मेरी क्लास है। तू लीडर होगा सिर्फ तेरी गली का, हम फकीरों को अंडर एस्टिमेट मत कर। जब चाय वाला पीएम बन सकता तो क्या फकीर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता? हम फकीरों की जमात से लगड़ लेना को, वरना गली गली भीख मांगना पड़ेगा, अल्लाह ही देगा बोल के, समझा? एक मिनट, हेलो, हाँ लाला। अरे लाला, मेरे को सिकंदराबाद में नहीं होना है, मेरे को हाईटेक सिटी इनऑर्बिट के बाजू जिला 2000 गज। हाँ, अरे ऑन द स्पॉट पेमेंट ले लो, शाम में ले लो। हाँ ठीक है, ओके। तू कौन है? हाँ अच्छा, चल। हाँ भाई, हेलो। अब क्या है? माफ करो, एक मिनट। हेलो बॉस, लंच का टाइम हो गया, जरा पूरों को व्हाट्सएप कर देता हूँ। और एक बात ध्यान में रखना, हमारे लंच के टाइम हम ना पैसे नहीं लेते, अगर पैसे देने का अगर है तो आफ्टर लंच गांधी चौक पे आके पैसे दे देना, समझा? चल हम चोरी। ए इधर आ रहे, क्या हुआ? मेरे भेजले में दिख रहा देखू, चल लंच के बाद। मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सही में दे रहा हूँ। अरे क्या तू साला है मेरा मजाक करने को? अरे हौला हो गया क्या रे? चल क्या हुआ रे भाई? अरे भीख दे रहा हूँ, भीख नहीं ले रहा, लंच का टाइम हो गया बरा। ए हेंड्रा हो गया मियां, लंच के टाइम कौन तो भी भीख देते, क्या नहीं होना, चल। अम्मा दे दो। अरे क्या उस बॉस का व्हाट्सएप मैसेज आ, लंच ब्रेक मिल गया, चल। इसको कर्नाटक बोलते ऐसा, और यहाँ पर नाटक नहीं चलता, समझ गए? गली नंबर 5 में जाओ जी। और गली नंबर 5 में जर्ज का घर है, उन्हें अच्छा। कैसा भी देता और उसको छोड़ना नहीं। और तू एक काम कर, गली नंबर 7 में जा, वहाँ पे खाली लेडीज रहते और वहाँ पर लोग कैसा भी देते, तू जाके वहाँ पर मंग और खाली अल्लाह के नाम पे दे दो बोल के नको बोल। जरा हाथा पेरा टेढ़े कर दे, कैसा करता बता? थूक ज्यादा निकाल, तेरे को बोला ना 3 साल तक नहीं ना, समझा? मेरे को देखो बोरी क्या देख रहे, 3 साल हो गया मैं नहा के, मेरे जैसी ट्रेनिंग लियो, चलो कलेक्शन होना मेरे को आज कैसा भी, चलो काम पे लगो। मैं भी आज टेढ़ापन करूंगा, अल्लाह ही देगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे खाना। चल अरे चल चल जा रहे। अजी कौन तो भी है जी? फकीर है। ऐसा नहीं हकलते जी फकीरों को, बुलाओ उसको। ग्रामिया क्या शान है ऊपर वाले की, ये औरत के दिल में रहम दिख रहा, आज तो कुछ मिल जाता। ए हटो जी हटो, तुम कहाँ का फकीर है तू, कैसा आया मेरे घर पे? ये घर मेरा है, मेरे जहेज में आया सो है, मेरे मर्द के झिड़किया सुनता तू, मेरे सुन, शर्म नहीं है रे बिकारी तेरे को,
खा खा के मोटा बैल हो जा रहा है। चल निकल यहाँ से। क्या देख के हंस रहे थे तुम? चलो अंदर। बर्बाद हो जाओ साली का घर। अरे वो औरत, औरत है तू? गरीब लाचार भीख मंगने आया तो, खाने को मंगने को आया तो ऐसा बोलती? खाली मंगाई थी ना प्रॉपर्टी, उसकी एक थे क्या? मैं प्रॉपर्टी लेने आया? साला आज का दिन ही मनुष्य दिख रहा। हाँ बोल सिराज। आज एक मॉडलिंग करना है। कैसा चल रहा तेरा? हाँ मैं अभी एक कलेक्शन ले रहा हूँ, कर रहा हूँ तेरे से थोड़ी देर में बात। हेलो बॉस। अम्मा कुछ कही? अरे ये कोई नया बकरा दिख रहा, पकड़ के ले गया इसको। रे रुक, किधर? किसका एरिया है मालूम? हाँ बॉस बुला रहे, चल लो बॉस। क्या रे नया दिख रहा? तेरे को नहीं मालूम? यहाँ से लेके बम्बई तक, बम्बई से लेके बेंगलुरु तक, कलकत्ता भी लगता, अपना नेटवर्क चलता, समझा? क्या कर रहा था रे उधर? भीख मंग रहा था। अगर भीख मंगना भी है तो अपना 80%, तेरा 20% विद अग्रीमेंट के साथ, दो गवर्नमेंट के श्योरिटी, समझा? हाँ पैसे नहीं होना, खाली खाना मंग रहा था मैं। अच्छा इसका मतलब तू भूखा है? ऐसा मांगे तो कौन देते रहे तेरे को खाना? स्किन देखे तो तेरी रिच है, कपड़े देखे तो ब्रांडेड है। एक काम करो रे, इसको शिफ्ट कर दो। हेलो आप बोल रहे जाहिल फकीर? हाँ वो कर्नाटक के बैंक में डाल, IFSC कोड भेज रहा हूँ, जल्दी डाल। तेरे को फकीर का मतलब मालूम? व्हाट इज फकीर? अच्छा तेरे को नहीं मालूम होगा तो सुन, मैं मतलब बताता हूँ तेरे को फकीर का। फकीर वो होता जो ऊपर वाले के करीब होता। क्लोज क्लोज क्लोज। दुनिया में दो तरह के इंसान होते, एक भीख देने वाला, दूसरा भीख लेने वाला। मगर देने वाला क्या समझता? मैं देकर एहसान कर रहा हूं। गलत गलत। हम लेकर उसके ऊपर एहसान कर रहे भीख। उसकी वजह यह है, उसकी सारी फलासी, उसकी सारी परेशानी, उसकी सारी भलाई ये हम हमारे अंदर ले ले रहे। तो बड़ा कौन हुआ? फकीर। मन के अगर खाना खा रहा तो मेरा परमिशन तेरे साथ है, समझ गया? चल। उलाला। प्रेजेंट बॉस। क्या कलेक्शन है तुम्हारा? 26,930 रुपए। कहीं को ऐसा कलेक्शन कम होता जा रहा? क्या करेंगे बॉस? अरे मैं तुम लोगों को मशीना दिया ना? हाँ बॉस सही है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं आ रही बॉस। वो गोडाउन से लेके डाल ले। बेंड खजूर बॉस। 28,011 रुपए। 28,011 रुपए। नहीं नहीं है तुम करेक्ट जा रहे हैं। अच्छा मंगो, ऐसी मंगो, गिड़गिड़ा के नक्को मंगो, रुआब से मंगो। ठीक है बॉस। फकीर चांदपाशा, क्या कलेक्शन है तुम्हारा? 16,000। बहुत कम होगा तेरा कलेक्शन। इस वास्ते कलेक्शन कम हो रहा। इधरो तुम बैठो। हमारे चांदपाशा, तुम हमारे खानदानी फकीर हैं। तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा हमारे दादा के बस काम करते थे। तुम ये तुम्हारा खानदानी नाम डुबा दे रहे। लास्ट टाइम तुम 35,000 रुपए लेते थे कलेक्शन, इस बार 16,000 रुपए लेके आए। क्यों? अरे GST लग गया तो पहली को तनख्वाह मिलती, तनख्वाह मिलने के दिन ही तुम फुल पीके सो जा रहे थे सिग्नलों पे। क्या रे उलाला? हाँ बॉस मैं भी देखा, पीके लौट रहे हो नो। कम पियो, नाम मत डुबाओ फकीरों का, और खास तौर पे मेरा नाम मत डुबाओ। चलो वहां जाके ठहर जाओ। और क्या कलेक्शन कर रहे तुम लोग? मैं तुम लोगों को बोला बाहुबली का कलेक्शन करो, तुम लोग सलमान की टिबलेट का कलेक्शन क्या कर रहे रे? हाँ अच्छा जना बॉस, कलेक्शन अभी क्या होना? कलेक्शन अच्छा है? अरे इतने पैसे बैंकों में रख के कर रहे क्या? अरे बैंकों में रख के कर रहे क्या बोले तो, मैं एक पिक्चर बनाने वाला हूँ। और फिल्म का नाम क्या है? फकीर फिल्म प्रोडक्शन। जिसमें हीरो शाहरुख खान और मैं मेन विलन, समझा? अब आइंदा कभी ये पूछ रखो बैंक में पैसे कई को है बोल के, अब ध्यान खाली इधर दे, अल्लाह ही देगा, देगा भाई देगा। अरे बेंड खजूर, वो नया लौंडा खान नहीं दिख रहा?
और उन्हें मिलाना, जरा बोल, जरा मैं याद कर रहा था बोल के, समझ गया, मीटिंग खत्म। हर पिक्चर के क्लाइमेक्स में हैप्पी एंडिंग होती, मगर मेरी कहीं को नहीं हुई होंगी। वो बेचारा खान एक था जिसकी भैरी से मैं मेरी मौसम्बी करने चले जाता था, अब तो उन्हें भी खर्चे में आ गया होगा। मेरे को मालूम, अब्बास नहीं छोड़ता उसको, टपका दिया होगा उसको। अब कौन है जो मेरे को भैरी मारेगा, कौन? ए ऊपर वाले, कुछ तो चमत्कार दिखा दे। आए, तू जिंदा है? कहीं अब्बास को तो नहीं लुड़का दिया? अब्बास को जो है ना, चरलापल्ली जेल भेज दिया उसको। मेरी रॉडी गैंग। तेरे को बोला ना, मुंह टेढ़ा करके अल्लाह ही देगा, आधा किलो मुंह से थू निकाल, थूक। धीरे धीरे सीख जाते बच्चे हैं ना। तुम बूढ़े हो के भी नहीं सीखे ना। हाँ बैठो, साइलेंसर गरम, इंजन ठंडा। अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा, आप टेढ़ा करो। रौडिया भी सेट हो गया वहां पे। अरे तू सबकी लाइफ सेट कर दिया, अब मेरी लाइफ भी सेट कर दे। तू पिक्चर में बहुत रुलाया लोगों को, मैं चाह रहा हूं लोग जाते जाते हंसे। एक लास्ट बार भैरी मार दे मेरे को, मार दे। आप बड़े भैया जी, आपको मारने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है आप दिल के बहुत अच्छे है, बोल के तुम्हारी भी सेटिंग कर दिया मैं। नीचे जाओ, तुम्हारी मौसम्बी तुम्हारे को मिल जाती। अरे ये चुम्मा जो है ना, आपकी जुम्मा खुद ही हो। अब देखो तुम लोग हाईलाइट सीन।